हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम UEFI बॉक्स का ट्रेनिंग लेसन 8 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर हम किसी EMMC को प्रोग्राम करते हैं या हमारे पास EMMC किसी काम के लिए आई है, तो उससे पहले हमें किन किन फाइलों का बैकअप्स लेना होता है, मतलब बूट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, ताकि जब हम इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करें तो किसी भी तरह की अगर कोई प्रोग्रामिंग में कोई हमसे गड़बड़ी हो जाती, ऐसी गलती हो जाती है, ताकि जिसको हम वापस से रिकवर कर सकें और EMMC को वापस उसी कंडीशन में ला सकें, या फिर हमारा फ़ोन डेड होने से बच सके, या उसका सिक्योरिटी पोर्शन या MS रिलेटेड कुछ भी ऐसा कुछ काम हमसे गलत हो, उससे बचने के लिए हमें किन किन फाइलों का बैकअप लेना होता है, ताकि ईजिली विदाउट एनी रिस्क हम हमारे EMMC को प्रोग्रामिंग कर सकें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर UEFI बॉक्स के प्रोग्राम को ओपन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम EMMC को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसे हमने उसे BGA सॉकेट में कनेक्ट किया हुआ है। देखिए आप, यहाँ पर हमने हमारी EMMC को कनेक्ट कर लिया है, और EMMC कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर EMMC की पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। देखिए, ये एक कंप्लीट EMMC है, और एक ये हमने चालू फ़ोन से निकाली है आपको बताने के लिए, प्रैक्टिकल कराने के लिए। तो देखिए, जब भी हम कभी ऐसे EMMC पे या फ़ोन पर वर्क करते हैं जिस जो ऑलरेडी प्रोग्राम है, और किसी एरर के लिए या फिर किसी अनलॉकिंग के लिए या किसी भी EMMC वर्क के लिए जब हम उसे कनेक्ट करते हैं, तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि प्रोग्रामिंग के समय किसी भी तरह से अगर EMMC डेड हो जाए, या फिर कोई सिक्योरिटी पोर्शन, मतलब जैसे IMS से रिलेटेड या बोटिंग से रिलेटेड कोई ऐसी फाइल में हमसे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, जिससे कि हमारा फ़ोन डेड हो जाए या इस तरह का कोई इशू हो जाए। तो उससे बचने के लिए हमें कुछ फाइलों को बैकअप करना होता है, जिससे जब हम इस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं और अगर किसी भी तरह की कुछ गड़बड़ हमसे हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हमसे हो जाती है, तो उन फाइलों के बेसिस पे हम उस EMMC को वापस से रिकवर करके उस कंडीशन में ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हमें जो बैकअप लेना होता है वो हमारा होता है बूट पार्टीशन से रिलेटेड, और सेकंड जो होता है हमारा सिक्योरिटी पोर्शन, मतलब जो हमारे IMEI और बेसबैंड से रिलेटेड होता है। तो आप सभी को याद होगा कि हमने इससे पहले जो EMMC के ट्रेनिंग लेसन्स जो हमने पब्लिश किए थे हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, देखिए उन EMMC के सभी लेसन्स के अंदर आप चाहे UEFI बॉक्स करें यूज़ करें, या फिर EasyJTAG यूज़ करें, या फिर Medusa Pro या और कोई बॉक्स यूज़ करें, देखिए हमने जो EMMC के ट्रेनिंग लेसन्स बनाए थे उन सभी के अंदर जो हमने EMMC का बेसिक कंसेप्ट बताया था, अगर आप उनको भी ध्यान से देख लेते हैं तो आपको इन फ्यूचर कभी भी किसी बॉक्स को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने वो लेसन्स नहीं देखे हैं, उसके अंदर हमने पर्टिकुलर डंप लेने के लिए एक लेसन बनाया था, जिसके अंदर हमने डंप से रिलेटेड कुछ क्राइटेरियाज बताए थे, मतलब कुछ कंडीशंस बताई थी जिसके अकॉर्डिंग आप बैकअप ले सकते हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर उसमें तीन कंडीशन बताई थी, जिसमें से एक है डेड बूट के लिए डंप को बनाना, और एक सेकेंड होती है डेड बूट के साथ में फर्मवेयर, मतलब हम अगर वो डंप फाइल उसमें डालें तो उसमें डेड बूट रिपेयर होने के साथ साथ वो फ़ोन फ्लैश भी हो जाए, और उसमें एक कंडीशन होती थी कि डेड बूट प्लस फर्मवेयर प्लस यूज़र डाटा, मतलब कि इसमें डेड बूट के साथ साथ आप उसे फ्लैश भी कर दें और कस्टमर के डेटा को सेफली बचा भी सकें। लेकिन देखिए, जो इसमें से थर्ड कंडीशन है, इसके ऊपर पर्टिकुलर हम एक अलग लेसन बनाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन हम हर फ़ोन के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। इस वजह से इस वीडियो के अंदर हम फिलहाल में इन दो कंडीशंस को और सिक्योरिटी एरिया के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा डीप लेवल का है, और इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन इन दोनों के से थोड़ा सा अलग है, इस वजह से इसको हम बाद में कवर करेंगे एक पर्टिकुलर लेसन के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डेड बूट के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जब भी हमारे पास कोई फ़ोन आता है तो उसके बूटिंग पार्टीशन से रिलेटेड हमारे पास डंप होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका बूटिंग का डाटा होता है, बूटिंग का डंप होता है, जो कि इन पार्टीशंस में होता है, तो उसमें हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट 1, बूट 2, EXD, CSD फाइल, इन तीनों को लेना होता है। उसके अलावा जो हमारा यूज़र एरिया होता है, यहाँ पर आप चाहे तो 64 MB, 128 MB या मिनिमम 512 MB, वैसे तो देखिए 512 MB लेना सबसे बेस्ट होता है अगर आप किसी फ़ोन के डेड बूट के लिए अगर डंप फाइल बना रहे हैं, तो इसमें मिनिमम आप 512 MB का डंप लीजिए और उसे बैकअप कीजिए, या फिर अगर आप उसके डेड बूट के साथ में फर्मवेयर भी लेना चाहते हैं, अगर वो फ़ोन वर्किंग कंडीशन में है तभी आप उसका एक्सक्लूड वाला ले सकते हैं। एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि उस फ़ोन में बूटिंग डाटा के साथ में जितना EMMC का फर्मवेयर का साइज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 14.56
GB मतलब ये 16 GB की MMC है, तो इसका हमें पूरा 16 GB का यूज़र एरिया लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें जो हमारे काम का डाटा होता है वो हमारा फर्मवेयर और सिक्योरिटी डाटा होता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम किसी फ़ोन के डेड बूट की बात करें तो आपको सिर्फ 512 लेना है। अगर उसमें डेड बूट के साथ में आप उसका फर्मवेयर का पोर्शन भी लेना चाहते हैं तो आप उसके अंदर एक्सक्लूड यूज़र डेटा ले सकते हैं। और देखिए फिलहाल में हम अभी इस फ़ोन का डेड बूट का ही बैकअप लेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने इन चारों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हमने यूज़र एरिया जो है वो 512 MB का लिया है। और देखिए यहाँ पर नीचे रीड बटन होता है, इस रीड बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये बॉक्स हमें लोकेशन पूछेगा जहाँ पर हमें फर्मवेयर रखना है। और देखिए हमारे सी ड्राइव में हमारा UEFI बॉक्स UEFI फोल्डर में इंस्टॉल है, जहाँ पर उसके अंदर फाइल्स करके फोल्डर है, उसके बाद में EMMC और उसके बाद में सभी ब्रांड्स के यहाँ पर फोल्डर बने हुए हैं। और क्योंकि हमारा फ़ोन Xiaomi का Note 3 है, इसलिए हम यहाँ पर Note 3 के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम इसकी डंप को बनाना चाहेंगे। तो देखिए यहां पर हमारी डंप फाइल रीड होना स्टार्ट हो गई है और आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले यहां पर exe/csg फाइल जो कि 512 बाइट्स की थी वो रीड हो चुकी है। उसके बाद में बूट 1 जो कि हमारा 4 MB का था वो भी रीड हो चुका है। उसके बाद में हमारा बूट 2 जो कि 4 MB का था और हमारा यूजर एरिया जिसे हमने 512 सिलेक्ट किया था वो रीड होना स्टार्ट हो गया है। कुछ ही सेकंड्स में हमारा ये डंप जो है रीड हो जाएगा और उसके बाद में हम आपको इसके बाद में सिक्योरिटी पोर्शन को रीड करना बताएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा डंप जो है वो रीड हो चुका है, मतलब बूटिंग से रिलेटेड हमने यहाँ पर उसका डंप को रीड कर लिया है। और हम देखिए यहाँ पर इस पे फाइल पर क्लिक करके आपको इसकी लोकेशन बताएंगे जहाँ पर हमारी डंप फाइल रीड हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं सी ड्राइव में जहाँ पर हमारा UEFI बॉक्स इंस्टॉल है उसमें फाइल फोल्डर है, उसके अंदर EMMC, उसके बाद Xiaomi, देन हमारा नोट 3 करके फोल्डर है। अब देखिए यहाँ पर हमारा बूट 1, बूट 2, exe/csg और यूज़र एरिया जो कि हमने 512 का लिया था, ये चारों फाइलें यहाँ पर रीड हो चुकी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा सिक्योरिटी डाटा जो कि हमारा IMEI बेसमेंट से रिलेटेड होता है। उसको रीड करने के लिए हमें यूज़र टैब में जाना होगा। देखिए यूज़र टैब में जाने के बाद जितने भी हमारे जो उस यूज़र एरिया के अंदर फ्लैश फाइल, यूज़र एरिया और हमारे IMEI से रिलेटेड मतलब जो भी डाटा होता है वो हमारे यूज़र एरिया में होता है। अब देखिए इसके अंदर जो हमारा सिक्योरिटी पोर्शन होता है उसको हमें उसको भी रीड करने का एक अलग क्राइटेरिया होता है। और जो हमारे हमने EMMC के लेसन्स बनाए थे उसके अंदर हमने सिक्योरिटी पोर्शंस के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया था जिसमें हमने चिपसेट के हिसाब से सिक्योरिटी डेटा को रीड करने के बारे में बताया था। अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारे EMMC ट्रेनिंग लेसन्स के अंदर सिक्योरिटी डेटा के ऊपर के आप वीडियो को देखिए, उसमें हमने डीपली इसको बताया। लेकिन देखिए यहाँ पर भी हम आपको शॉर्ट में उसके बारे में बता देते हैं, जितना ज़रूरी होता है वो तो इस वीडियो में हम आपको बता ही देंगे। देखिए हम क्योंकि सिक्योरिटी जो बैकअप लेते हैं मतलब हमारा IMEI और बेसबैंड का जो डेटा लेते हैं जो बैकअप लेते हैं उसका वो चिपसेट के हिसाब से होता है। क्वालकॉम का क्राइटेरिया अलग होता है, MTK का, स्प्रेडरम का अलग होता है और सैमसंग का अलग होता है। उसके अलावा जितने भी जो और ब्रांड होते हैं उन सभी का क्राइटेरिया हमने इस नोटपैड फाइल में दिया हुआ है जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए क्वालकॉम का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से होता है, MTK का इस तरह से होता है, सैमसंग का इस तरह से होता है। मतलब हमें अगर क्वालकॉम का फ़ोन है तो इतनी फाइलों का बैकअप लेना है, MTK का है तो इतना बैकअप लेना है, सैमसंग का है तो इतना बैकअप लेना है। और देखिए टाइम के साथ में इन सभी फाइलों के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, कुछ फाइलें और ऐड हो गई हैं अभी क्वालकॉम फ़ोन के अंदर, कुछ सैमसंग में ऐड हो गई हैं, तो इस तरह से आपको बैकअप लेना होता है। लेकिन जो हमारा UEFI बॉक्स होता है उसकी खासियत होती है कि वो यूज़र एरिया में जितने भी हमारे सिक्योरिटी फाइलें होती हैं उनका इस तरह से कलर चेंज हो जाता है। देखिए जैसे मॉडेम फाइल एक अलग कलर से हाईलाइट हो रही है, तो हमें यहाँ पर मॉडेम फाइल को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारे सिक्योरिटी पोर्शन से रिलेटेड। इसके बाद देखिए और भी जितनी फाइलें हैं जैसे मॉडेम MST1, मॉडेम MST2, देखिए मॉडेम MST1, मॉडेम MST2 के लिए मैं आपको एक और टूल UMT का ओपन करके बताऊंगा जिसमें इसके कुछ ऑप्शन हम मतलब इस मॉडेम MST1 और मॉडेम MST2 की इंपॉर्टेंस आपको समझाने के लिए UMT का QCFI टूल खोलूंगा। देखिए ये UMT QCFI टूल है जिसके अंदर हम क्वालकॉम की फ्लैशिंग करते हैं और जब भी हम उसे फ्लैशिंग करने के लिए यहाँ पर रॉ फाइल को सिलेक्ट करते हैं आप देखेंगे यहां पर एक ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट IMEI एंड कैलिब्रेशन डाटा। अगर आप इस ऑप्शन पर टिक लगाते, बाय डिफॉल्ट देखिए इस पर टिक ही लगा होता है, क्योंकि अगर आप इस पर टिक नहीं लगाते हैं तो ये दोनों फाइलें हमारे जो फर्मवेयर में से ब्लैंक फाइलें होती है वो राइट हो जाती है, जिस वजह से हमारा IMEI ब्लैंक हो जाता है। उसमें हमारा बेसबैंड तो आ जाता है लेकिन हमारा IMEI जीरो हो जाता है या नूल हो जाता है। उससे बचने के लिए हम यहां पर प्रोटेक्ट IMEI पर टिक लगाते हैं
तो जब भी हमारा क्वालकॉम वाला कोई फ़ोन जब फ्लैश होता है तो उसमें ये मॉडेम MST 1 और मॉडेम MST 2 फाइल जो है वो स्किप हो जाती है, उसकी वजह से हमारा IMEI जो है वो सेफ हो रह जाता है। मतलब हम जब फ्लैशिंग करते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल IMEI था वो किसी भी तरह से करप्ट या ब्लैंक नहीं होता है। और इसमें भी देखेंगे आप यहाँ पर, तो यूज़र एरिया के अंदर अगर हम इस मॉडेम MST 1 और 2 का बैकअप ले लेते हैं तो इससे हमारा IMEI सेफली जो है वापस से रिस्टोर हो जाता है, चाहे हम MMC को पूरी तरह से इरेज क्यों ना कर दें। देखिए उसके बाद में फिर यहाँ पर FSG फाइल होती है जो कि क्वालकॉम के लिए IMEI और बेसमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में देखिए परसिस्ट फाइल, कॉन्फिग फाइल, क्योंकि इन सभी का कलर जो है यहाँ पर आपको अलग हाईलाइट होते हुए दिख रहा है। देखिए यहाँ पर CUST, ये भी हमारे सिक्योरिटी पोर्शन से रिलेटेड है, इसलिए जितनी भी फाइलें जिनका कलर इस तरह से UEFI बॉक्स ने मेंशन किया है कि वो सिक्योरिटी फाइलें हैं, हम उन सभी फाइलों को सिलेक्ट करेंगे। और देखिए हमने लगभग सारी सिक्योरिटी फाइलों को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इन सिक्योरिटी फाइलों को रीड करने के लिए यहाँ पर रीड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रीड बटन पर क्लिक करेंगे UEFI बॉक्स हमें एक कमांड देगा जिसमें वो पूछेगा कि आप मुझे वो लोकेशन बताइए फोल्डर की जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी बैकअप लेना है। तो देखिए हमने Xiaomi के अंदर Note 3 का बैकअप बनाया था, इसके अंदर हम यहाँ पर एक फोल्डर और बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे सिक्योरिटी फाइल्स। तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी फाइल्स करके एक फोल्डर बनाया है जिसे हम सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम हमारी सिक्योरिटी फाइलों का बैकअप चाहते हैं। तो देखिए ये हमारी सिक्योरिटी फाइलें रीड होने लगी हैं जो कि हमारे उसी फोल्डर में आएंगी। देखिए जो हमने आपके सामने यहाँ पर नोट 3 करके जो फोल्डर बना था UEFI बॉक्स जो सी ड्राइव में इंस्टॉल है, ये देखिए अब यहाँ पर ये सिक्योरिटी फाइल का फोल्डर बन गया है और यहाँ पर हमारी फाइलें देखिए ये सिक्योरिटी फाइलें रीड होने लगी हैं। देखिए किसी भी फ़ोन का अगर हम इस तरह से बूटिंग का डेटा बना लेते हैं और सिक्योरिटी फाइलों का डेटा बना लेते हैं, उसके बाद हम उस MMC पे चाहे डम फाइल दूसरी और कोई राइट करे, फॉर्मेट करे, इरेज करे या किसी भी तरह का हम कोई प्रोग्रामिंग का काम इस MMC के ऊपर करते हैं और किसी भी तरह से अगर कुछ गलती हमसे हो जाती है तो उसे रिकवर करने के लिए इन फाइलों का यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम MMC को वापस से पहले वाले कंडीशन में ला सकते हैं। मतलब कि ना हमारा बूटिंग का कुछ डाटा मिस होगा, ना हमारा सिक्योरिटी का डाटा मिस होगा, इस वजह से वो हमारा फ़ोन ना डेड होगा ना ही उसका सिक्योरिटी पोर्शन जो है वो किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारी MMC को हम ईजिली उस कंडीशन में ला सकते हैं जिस कंडीशन में हमारे पास मतलब वो MMC या फ़ोन आया था। तो देखिए ये हमारा सिक्योरिटी डाटा रीड हो चुका है और इस वीडियो में हमने आपको बूटिंग का डाटा और सिक्योरिटी डाटा, मतलब कि हमारा फ़ोन अगर जिस भी कंडीशन में हमारे पास कस्टमर लेकर के आया है, अगर MMC प्रोग्रामिंग में हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम हमारे उस फ़ोन को वापस से लाइव कर सकते हैं और उसके IMEI को भी रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक MMC को पूरी तरह से इरेज करके उसको वापस से रीप्रोग्राम करके बताएंगे और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको MMC के सिक्योरिटी पोर्शन, बूटिंग डाटा का बैकअप लेना आ गया होगा, जिससे आप बिना किसी रिस्क के किसी भी MMC को प्रोग्राम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।